पिला माने तुम समस्त को ई प्रयास सोनपुर को बहुत बहुत स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी गणित बहर कोण और कोणर माप विषय आलोचना कर। तुम चतुर्थ श्रेणी में तुम पूर्व श्रेणी में किछि किछि से विषय जान आम विषय सविशेष टी आलोचना करवा। कोण विषय आलोचना करने पूर्वर आम रेखा विषय टी आलोचना करवा ताकू टे बुझा जाणवा आगु भी किछि किछि तुम्हें जान मु समय सुविधा दृष्टि ब्लाकबोर्ड में पूर्वर किसी अंकन कर लक्ष्य कर उपरे अच्छी प्रथम चित्र तापर द्वितीय चित्र ता तलकू तृतीय चित्र देखा जा। प्रथम चित्र गोटे आद्य बिंदु का आरंभ बिंदु अच्छी तार गोटे शेष बिंदु अच्छी यार कौन कह जाए प्रथम चित्र को कह जाए रेखाखंड या कह जाए रेखाखंड। रेखाखंड को आम नामकरण करवा नामकरण करवा मो नाम वर्तमान देना आम बर्तमान नामकरण कर नामकरण करवा तार आरंभ बिंदु को मु नाम देली क तार शेष बिंदु को नाम देली ख। तो वर्तमान यही रेखाखंड नामकरण है क ख भाव में नामकरण कली ताको अन्य नाम मध्ये दिया जाय पारिबो आमे ए बी मध्ये लिखि पारिबा च छ मध्ये लिखि पारिबा निज इच्छा अनुसार नामकरण करा जाय। ता तळको अछि द्वितीय चित्र याको कोन कह जाय ए चित्र लक्ष्य कर एही रेखा रो गोटिए पटे तीर चिन्ह रहि ठीक अछि गोटिए पटे तीर चिन्ह अछि। तो गोटे पटे तीर चिन्ह दिले ए रेखा कह जाय कौन कह जाए वेरी गुड रश्मि क्या कह जाए रश्मि गोटे पटे तीर चिन्ह दिले ताहा कह जाए रश्मि या को मध्ये आमे नामकरण करि परिबा ताको मु नाम दिली ग घ। ता तळ को अछि तृतीय चित्र रे लक्ष्य कर एही रेखा रे दुईट तीर चिन्ह अच्छे बाम पटे गोटे तीर चिन्ह डाण पटे गोटे तीर चिन्ह यही चित्र कह जाए सरल रेखा कौन कह जाए सरल रेखा या आम नामकरण करवा कि नाम देवा च छ नाम मुझे निज अनुसार तुम्हें नामकरण कर। तो वर्तमान आम तीनो चित्र को लक्ष्य करवा प्रथम चित्र है रेखाखंड तार गोटे आरंभ बिंदु थाए गोटे शेष बिंदु थाए तार गोटे अर्थात तार गोटे निर्दिष्ट दैर्घ्य रही। द्वितीय चित्र तल को अच्छी रश्मि रश्मीर गोटे गोटे तीर चिन्ह अच्छी तार अर्थ यही डाण पटे असीमित दूरता पर्यंत से लंबी पार यार गोटे आरंभ बिंदु अच्छी किंतु शेष बिंदु ना सरल रेखा सरल रेखार आरंभ बिंदु ना कि शेष बिंदु भी ना। तो तीन चित्र विषय आम जान ले रेखाखंड रश्मि सरल रेखा रेखाखंड आरंभ बिंदु थाए शेष बिंदु थाए रश्मि केवल आरंभ बिंदु थाए शेष बिंदु न थाए सरल रेखार आरंभ बिंदु न थाए शेष बिंदु न थाए। तो आम निज खातार अंकन करेकोसी दुईट बिंदु नहीं निर्दिष्ट दूरत जेकोसी दूरत आम ये गोटे बिंदु ने गोटे बिंदु ने तार नामकरण आम ना देदेले ए यू ना दे मुझे जो कले स्केल साहब जो कले गए सरल रेखा गोटे सरल रेखा एवं यही सरल रेखा आम आउ के अंकन करू को दुईट बिंदु को जो करने के सरल रेखा अंकन करें अन्य सरल रेखा अंकन करने को चाहिए
সেই রেখা উপরে হি পড়ে তার অর্থ দুইটি বিন্দু কু নেই আমি গোটিয়ে মাত্র সরলরেখা অঙ্কন করি পাই বক্ররেখা কেতরি অঙ্কন করি পারিবা এ বিন্দু বি বিন্দু কু বক্ররেখা সাহায্যে বুঝব এটা রেখা এইটা গোটিয়ে রেখা এইভাবে আমি অসংখ্য রেখা সাহায্যে যোগ করি পাই এ সমস্ত হলে গোটে গোটে বক্ররেখা আমি বক্ররেখা দুইটি বিন্দু কু নেই বক্ররেখা দিয়ে অঙ্কন করে পার অসংখ্য বক্ররেখা আমি অঙ্কন করে পার দুইটি বিন্দু কু যোগ করা আমি অসংখ্য বক্ররেখা অঙ্কন করে পার কিন্তু গোটিয়ে মাত্র সরলরেখা অঙ্কন করা সরলরেখার দৈর্ঘ্য আমি কি করে পাব গোটে সরলরেখা এ বি সরলরেখা আমি অন্য গোটে সরলরেখা অঙ্কন কলে না দেলে ও ইয়াকু আমি মাপিবা স্কেল সাহায্যে মাপিবা স্কেল অছি তোমার জ্যামিতিক বাক্সরে ইয়াকু আমি মাপ কলে শূন্য আরম্ভ হয়েছি শূন্য অছি 38 ইয়ার দৈর্ঘ্য হল 38 সেন্টিমিটর ইয়াকু লিখি দেছি তোটে 38 সেমি 38 সেন্টিমিটর এই রেখার দৈর্ঘ্য হল 38 সেন্টিমিটর তো বর্তমান আমরা যদি বক্ররেখা কু মাপিবা বক্ররেখার দৈর্ঘ্য কি করি নির্ণয় করি গোটে বক্ররেখা অঙ্কন করছি গোটে বিন্দু নেলি ক বিন্দু এটি গোটে বিন্দু নেলি খ বিন্দু গোটে বক্ররেখা সাহায্যে যোগ এই বক্ররেখার দৈর্ঘ্য আমি মাপি বক্ররেখা কু আমি মাপিবা এইভাবে সূতা ব্যবহার করে পার গোটে রঙিন তার নেই ভালভাবে দেখা যা আমি গোটে বক্ররেখা অঙ্কন করছে তাকে মাপি সূতা সাহায্যে মাপিবা তার আরম্ভ বিন্দু গোটে ক বিন্দু ক বিন্দু ইয়ার মূলক রাখবা এবং সেই রেখা উপরে রাখি রাখি তাকে মাপিবা যেইভাবে ভাবে সেই বক্ররেখাটি যাইছে সেইভাবে এই তারকে মু রখিলি ইয়ার লম্ব হল ইয়াকু আমি স্কেল পকাই মাপিবা মু গোটে স্কেল অঙ্কন করছি দেখো ব্ল্যাকবোর্ডে পূর্বর গোটে স্কেল বনাই রখিছি তাকে আমি এটি রখি মাপিব শুনুন রখিলি 30 31 32 সেন্টিমিটার দেখা যাচ্ছি ইয়ার দৈর্ঘ্য হল 32 সেন্টিমিটার তো এইপরি ভাবে আমি বক্ররেখার দৈর্ঘ্য মাপ করে পার দেখ এই পত্রর ধার উপর ধারক মাপিবা উপর ধারে আমি এই তারকু রাখুছি তুমি সূতা সাহায্যে মাপিপার তার অগ পর্যন্ত শীর্ষ বিন্দু পর্যন্ত যা ইয়াকু আমি স্কেল পকাই মাপিবা স্কেল পূর্বর মু অঙ্কন করছি তুমি নিজের জ্যামিতিক বাক্সর স্কেল ব্যবহার করে পার শূন্য রখিলি ইয়াকু মাপিলি 35 36 37 সেন্টিমিটার 37 সেন্টিমিটার তার উপর ধারর দৈর্ঘ্য হল 37 সেন্টিমিটার এইভাবে ভাবে আমি অঙ্কন করে পার মাপি পার বক্ররেখার দৈর্ঘ্য রেখা সরলরেখার দৈর্ঘ্য মাপিলে বক্ররেখার দৈর্ঘ্য মাপিলে এবে আমি যা কোণ অঙ্কন কোণ বিষয়ে আলোচনা করব মু কিছু পূর্বর কোণ অঙ্কন করেছি ব্ল্যাকবোর্ডে তুমি দেখিপার আমি নিজে মধ্যে বলি কোণ অঙ্কন করে পার এই চিত্রে কেতোটি রশ্মি দেখুছ তুমি উপর চিত্রে কেতোটি রশ্মি দেখ ভেরি গুড দুইটা রশ্মি এটা গোটে রশ্মি তলে গোটে রশ্মি দ্বিতীয় চিত্রে তা তলকু অছি এটা গোটে রশ্মি এটা গোটে দ্বিতীয় রশ্মি তৃতীয় চিত্রে মধ্যে সেইভাবে দুইটা রশ্মি দেখা যাচ্ছে হল
तो एठी देख लक्ष्य कर चित्र रे उभय रश्मि गोटे बिंदु रे मिलित हो चित्र रे दुईटा रश्मि गोटे बिंदु रे मिलित हो तृतीय चित्र रे मध्य से भली समान यहाँ कहा जाए गोटे कोण यही चित्र हूँ गोटे कोण यही चित्र गोटे कोण ये गोटे चित्र कोण तो आम कहीपर दुईटी रश्मि गोटे बिंदु रे मिलित हेले गोटे कोण कह अर्थात गोटे मूल बिंदु रु दुईटी रश्मि बाहरी थे गोटे मूल बिंदु को नहीं दुईटी रश्मि द्वारा जो चित्र गठित हुए ताजे कोण यार आम नामकरण किप आम यू नामकरण करें बिंदु यही बिंदु को ये गोटे रश्मि यही रश्मि ना दे मन कर ऊपर रश्मि ना दे बिंदु ना अच्छी क से भाई यही चित्र ना दे बिंदु ना है च यही रश्मि है च छ एवं यही रश्मिटा है च झ से आम नाम दे यही रश्मि ना है प ब ठीक अच्छे तो यही गुण से आम दीटा रश्मि यही रश्मि मान को कहुए गोटे गोटे बाहु कौन कहुए बाहू कह तो यही चित्र कोण से कतोटी बाहू अच्छी दीटा बाहू अच्छी एटा गोटे बाहू एटा गोटे बाहू क घ गोटे बाहू क ख गोटे बाहू से हीपरी चित्र च ज गोटे बाहू च छ गोटे बाहू तृतीय चित्र प ब गोटे बाहू गोटे बाहू तो प्रत्येक कोण से दीटा बाहू थाए गोटे शीर्ष बिंदु थाए दीटा बाहू थाए गोटे शीर्ष बिंदु थाए गोटे शीर्ष बिंदु दुईटा बाहू को लेकर गोटे कोण गठित होता है कोण मान गोटे माप थे परिमाण ताको आम माप तुम्हें निज जामितिक बाक्स देखी गोटे अर्ध वृत्ताकार आकृति रही भाग आकृति रही कहुए प्रोटाक्ट समस्त जामितिक बाक्स तुम निज निज जामितिक बाक्स गोटे आकृति अच्छी कहुए प्रोटाक्ट ये प्रोटाक्टर साहब कोण को माप कि माप तुम्हें निज प्रोटाक्टर लक्ष्य कर मझे गोटे बिंदु अच्छी तले देख मझे गोटे बिंदु अच्छी तले यहाँ कहुए केन्द्र बिंदु कौन कहुए केन्द्र बिंदु एवं तुम प्रोटाक्टर रे तले गोटे गार अच्छे देख पार यही गार को कहुए आधार रेखा तो केन्द्र बिंदु आधार रेखा को लेकर आम कोण माप कर सब बेले माप करने समय प्रोटाक्टर रो केन्द्र बिंदु को कोण शीर्ष बिंदु सहित मिसाई रख कोण शीर्ष बिंदु एवं प्रोटाक्टर केन्द्र बिंदु मिसला एवं गोटे रश्मि सहित गोटे बाहू सहित यार आधार रेखा को मिसाइक रखा आधार रेखा तार बाहू सहित मिसिक रोच बर्तमान आम कोण को गणी गणी तार परिमाण निर्णय कर कोण एपटे अच्छे तेणु आम एठ शून गणवा तुम्हें निज प्रोटाक्टर मध्य देख एपटू शून दस कोड़े तीस चालीस यही भाव में शहे अशी पर्यटन लिखाई एपटे मध्य लिखाई शून दस कोड़े तीस चालीस पचास षाठी शहे अशी पर्यटन अच्छे तुम निज प्रोटाक्टर हूँ स्वच्छ ट्रांसपारेन्ट पचपट को देखिपर ये देखा जाए तो आम यही कोण जेहेतु मापार अच्छी डाण पटे कोण अच्छी आम डाण पटे शून रु गणवा आरंभ कर शून रु गणी जावा क्यों बाहू बाहरी यही बाहू बाहरी षाठे शून दस कोड़े तीस चालीस पचास षाठ ठीक अच्छे तो यही कोण परिमाण है षाठे डिग्री कत षाठे डिग्री एटा हूँ डिग्री चिन्ह जान एक छोट शून थे उपरे यही कोण परिमाण है षाठे डिग्री से भाई यही कोण परिमाण मापिबा यार केन्द्र बिंदु को शीर्ष बिंदु सहित मिसाई रखा
गोटे बाहु सहित तार आधार रेखा को मिसे रखिबा एटी देखो कोण एपटे अछि डाहाण पटे शून्य रु गणिबा आरंभ करबा शून्य 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एही कोणर परिमाण हला 90 डिग्री तृतीय कोण कोण अंकन करबा समय जे लक्ष्य रखिबो बाहु माने जे बल करबो तार पर प्रोट्रैक्टर आग को बाहु दी बाहरी मापिबा सुविधा एबे बि डाहा पटे अछि यदि बाम पटे कोन थिबो बाम पटे हमें शून्य रु गणिबा डाहा पटे कोन अछि डाहा पटे गणिबा शून्य 10 20 एबिलि हमरे गणि गणि गले 130 31 32 132 डिग्री 132 डिग्री कोण त हमें तिनटी कोण को मापिले एही बोली पटे कोण हमें निजे अभ्यास करि परबा कोण अंकन करि मार करबा दिटी रश्मि अंकन करी कोण अंकन करबा ताकि प्रोट्रैक्टर सहायता मा तो ए कोण मानकु मध्य वर्गीकरण करा जाय छी विभिन्न प्रकार कोण तार माप अनुसार कोण मानकु वर्गीकरण करा जाय छी एही कोणर परिमाण हला 60 डिग्री कोणर परिमाण 60 डिग्री आउ गोटे परिमाण हला 90 डिग्री आउ गोटे कोण तृतीय कोण परिमाण हला 132 डिग्री जो कोण परिमाण 90 डिग्री रु कम है अर्थात एक रु आरंभ करी शून्य पर एक दुई तीन चार करी 90 डिग्री पर्यंत कोण कहा जाए सूक्ष्म कि कोण कहा जाए सूक्ष्म सूक्ष्म 90 डिग्री कोण परिमाण विशिष्ट कोण जो कोण परिमाण 90 डिग्री पूरा पूरी 90 डिग्री थाए ताहा कहा जाए सम एवं 90 डिग्री रु अधिक 180 डिग्री रु कम कोण परिमाण को कहा जाए स्थूल तो 90 डिग्री रु कम परिमाण विशिष्ट कोण कहा जाए सूक्ष्म कोण 90 डिग्री परिमाण विशिष्ट कोण कहा जाए सम कोण एवं 90 रु अधिक 180 रु कम डिग्री परिमाण विशिष्ट कोण कहा जाए स्थूल कोण तो तीन प्रकार कोण विषय आम आलोचना कर बर्तमान आम कि कोण लेखि देखा आलोचना कर किसी कोण लेखि 32 डिग्री 105 डिग्री 92 डिग्री 90 डिग्री 40 डिग्री 49 क्यों कोण ए कोण गुड़ देखा 32 डिग्री कि कोण हम 90 डिग्री कम अच्छे परिमाण विशिष्ट तेणु सूक्ष्म डिग्रीटा क्यों कौन स्थूल वेरी गुड 90 रु अधिक तेणु स्थूल कौन 92 डिग्री एटा भी स्थूल कौन परवर्त 90 डिग्री 90 डिग्री हूँ सम कौन 40 डिग्री 40 डिग्रीटा सूक्ष्म कौन कह 49 डिग्री 90 डिग्री रु अधिक परिमाण विशिष्ट तेणु है स्थूल तो विभिन्न प्रकार कोण विषय जानले कोणर माप जानले वर्तमान आम देखा गोटे निर्दिष्ट परिमाण विशिष्ट कोण कि बड़ी अंकन कह प्रथम गोटे रेखा ने आरंभ बिंदु को ना देले क ढेला ख गोटे निर्दिष्ट परिमाण विशिष्ट मना कर 45 डिग्री विशिष्ट गोटे कोण अंकन करेंगे।
प्रोटेक्टर को रखा तार आद्य बिंदु योटा आरंभ बिंदु सहित तार प्रोटेक्टर केन्द्र बिंदु को रखा आधार रेखा सहित बाहु को मिसाई रखा आमको अंकन करार अच्छी पैंचाश डिग्री तो आम गणि गणि जा पैंचाश डिग्री पर्यंत शुण दस कोड़े तीस चालीस ये अच्छी पैंतालीस बयालीस तेतालीस चालीस पैंचाश एटी गोटे बिंदु देव है स्केल साहय क बिंदु रु बिंदु को आम जो कर देले ग तो ये कौन है पैंचाश डिग्री परिमाण विशिष्ट कौन या मापिकी आम देखा पैंचाश डिग्री आ गए कर देखिए निजे निज खात अंकन करें कर तेसठी डिग्री कौन अंकन कर गोटे रेखांकन रश्मि अंकन कले ना दे प्रोट्रैक्टर साइज़ आम तेसठी डिग्री चिन्ह देवा यार केन्द्र बिंदु को शीर्ष बिंदु रखा आधार बिंदु रेखा सहित ये भाग को सामान को रखा तेसठी डिग्री आम कर गणि गणि जी दस कोड़े तीस चालीस पचास षाठी एकसठ बासठ तेसठ तेसठ डिग्री चिन्ह दे गोटे बिंदु दे आम यहाँ जोग कर यार ना दे छण ये कौन है ग प ख जहाँ नामकरण कोण विषय आम कोण अंकन कले निर्दिष्ट परिमाण विशिष्ट कोण अंकन कले यार नामकरण आम कर नामकरण सब बेले मैं रख गण आम यहाँ जब लिखा ये कोण नाम हम ग क ख कोण चिन्ह देकर लिखिपर या आम उल्टे लिखिपर ख क ग ख क ग भाव लिखिपर सामान कथा यही गण को सही आम लिखा कि पढ़ा समय ज च छ कोण बोली पढ़ीपर कि छ च ज कोली पढ़ीपर सब बेले शीर्ष बिंदुटा मझे रही है पाने आम रेखा विषय आलोचना कले कोण विषय आलोचना कले कोण विभिन्न प्रकार कोण विषय आलोचना कले कोण को मापिले निर्दिष्ट परिमाण कोण अंकन कले तुम बही अभ्यास कार्य अच्छी यही तुम चित्र अंकन करण अंकन कर निजर अभ्यास निज खातारे करिबो अभ्यास करिबो धन्यवाद।